डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, जो प्लास्टिक राइस के बारे में यहाँ पर बात छेड़ी गई थी उसमें बताया गया था कि फोलिक एसिड उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं एक जो डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि क्या टेबलेट्स के थ्रू हम नहीं दे सकते थे, अवेयरनेस कैंप्स ऐसे करते जिनको इसकी ज़रूरत थी उनको देना चाहिए, ये उन डॉक्टर्स ये ओवरडोज भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मीट खाने वाले यहाँ पर लोग हैं। नहीं नहीं, ये डॉक्टर को मैं ये कहता हूँ, किसको दिया आपने, कितने लोगों को दिया उन्होंने टैबलेट्स? देखिए, ये चावल खाने वाले हर एक है, छोटा बड़ा सब लेते हैं ये, और इसमें इतना ज़्यादा नहीं डालते हैं, 1% होता है टोटल उसमें, फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 है, तो 1% चावल अगर 1 क्विंटल होगा तो 1 किलो हम उसमें डालते हैं, तो एक बंदी को कितना मिलेगा? एटलीस्ट अगर रोज़ खाएगा तो टेबलेट से तो बेहतर है मेरे ख्याल में ये है, तो उसमें नहीं है। जो बताया जाता है कि यहाँ पर मीट ईटर ज़्यादा है, हाँ, तो उसमें ऑलरेडी उनके पास ये फोलिक एसिड और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल होते हैं, उसके बगैर हो सकता है? नहीं नहीं, उसके बगैर भी हो, उसके बगैर भी हमने देखा है ना, उसके बगैर भी देखा है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है खासकर मस्तूरात में, तो वो कहाँ से आ गई फिर, अगर हम यहाँ ये मीट ईटर्स हैं तो फिर कहाँ से आए, तो ये नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सब सब सब, ये तो आपको तमाम इंडिया में है, क्योंकि हमने 1 साल पहले ही 2 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था, तो उन दिनों भी यही उनको ऐसा ही लगा कि ये क्या बात है प्लास्टिक है, अब ये सारे पूरे J&K को दे रहे हैं मरहलावार, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।